नमस्ते फ्रेंड्स, जैसे जैसे कैंसर फैलता जा रहा है, खासकर हमारे देश में और नियर बाय एशिया में, क्योंकि जो डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, तो ये हमको समझना जरूरी है कि हर मुंह की ग्रोथ या अल्सर कैंसर नहीं होता है। ये जरूरी नहीं कि आपके मुंह में जो भी स्वेलिंग हुई हो या जो भी लीजन हुआ हो कैंसर ही हो या कैंसर हो सकता है। अब कई प्रकार के कैंसर मुंह में हो सकते हैं, जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा, जिसको हम टाइप्स ऑफ ओरल कैंसर कहते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार उसके सिम्टम्स दूसरे जो हमारे कॉमन सिम्टम्स है जिसको असली में ओरल कैंसर कहते हैं उससे मैच कर रहे होते हैं या करीब करीब एक जैसे दिख रहे होते हैं, तो इनको डिफरेंशिएट करना आसान नहीं होता है। एक एक्सपर्ट ही इसको जान सकता है। कई बार हम अननेसेसरी उस चीज से घबरा रहे होते हैं जो आपके मुंह में प्रेजेंट ही नहीं है, हो सकता है आपको वो डिजीज हो ना। आप इन टाइप्स को जान जाएंगे तो आपका समझना आसान हो जाएगा और अननेसेसरी का स्ट्रेस और टेंशन आप खत्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा, मैं टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। अब कैंसर हम कैसे समझते हैं? कैंसर हम तब समझते हैं जब जो सेल्स है, जिस सेल्स में वो कैंसर के सेल्स डेवलप हो रहे हैं, स्क्वैमस सेल्स जो होते हैं हमारे मुंह में नॉर्मल सेल्स हैं, उनमें जब वो सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं या कैंसर बन रहे होते हैं, तो इसलिए हम उसको ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं, जिसको ओरल कैंसर के हम आमतौर की भाषा में जानते हैं। बट कई ऐसे प्रकार के मुंह के ओरोफेरिंजियल मतलब मुंह और गले के कैंसर हैं हमारे मुंह में हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड का मतलब पहले समझ लीजिए, नेचर ने सलाइवा या लार के लिए हमारे मुंह में और मुंह के अराउंड गले के पास कुछ ग्रंथियां दी हैं। छोटी ग्रंथियां भी हैं और बड़े मेजर ऑर्गन्स भी हैं जो हमारे मुंह में लार को बनाते हैं, और लार की वजह से हमारे मुंह में एक तरह का लुब्रिकेशन बनता है, बोलना आसान हो जाता है, मुंह सूखता नहीं है और हम अच्छे से बोल पाते हैं और खाना खा पाते हैं, क्योंकि लार में ऐसे कुछ तत्व हैं जो हमारे खाने को पचाने में बहुत मददगार साबित होते हैं, जो हमारे खाने के साथ मिक्स होना बहुत जरूरी है ताकि हमारा पेट उसको अच्छे से पचा पाए। सलाइवरी ग्लैंड कैंसर में ये होता है कि कुछ कुछ छोटे छोटे सलाइवरी ग्लैंड हमारे लिप में भी हैं, टंग में भी हैं, तालू में भी हैं, और हमारे जो फ्लोरोदमा जो जबान के नीचे का एरिया उसमें भी है और गालों के साइड में भी है। नॉर्मली इसमें जो भी गांठ या स्वेलिंग डेवलप होती है मैक्सिमम टाइम में ये नॉन कैंसरस होती है, मतलब कैंसर की तरफ इशारा नहीं होती है, पर इसमें कैंसर डेवलप हो सकता है। अब दो मेजर ग्रंथियां हैं जो सलाइवरी ग्लैंड की कही जाती है, एक तो पैरोटिड ग्लैंड है। पैरोटिड मतलब कानों के आसपास वो ग्लैंड रहता है जो हमारे मुंह में वो सलाइवा को या हमारी लार को पहुंचाता है अंदर तक। उसमें 100 अगर ट्यूमर के केसेस हैं तो 25 कैंसर के उसमें केसेस हो सकते हैं, मतलब 100 अगर पैरोटिड ग्लैंड के ट्यूमर आपको देख रहे हैं तो उसमें 25 लोगों को कैंसर होने की संभावना होती है। दूसरा हमारा है सबसे ज्यादा होता है 100 में से 45 लोगों को सबमैंडिबुलर ग्लैंड मतलब हमारे जबड़े के नीचे एक ग्लैंड दिया है जिसको सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, उसमें 45 लोगों को चांसेस होते हैं कि वो कैंसर में परिवर्तित हो जाए या कैंसर हो जाए। दूसरा जो कॉमन कैंसर हमारे मुंह में हो सकता है वो है बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा मोस्टली ये एक तरह का ऐसा कैंसर है जो हमारे स्किन में होता है, क्योंकि स्किन में बेसल सेल होते हैं, तो वो कैंसर जब बन जाए या उनमें कैंसर जब डेवलप हो जाए तो उसको बेसल सेल कार्सिनोमा कहा जाता है। तो हमारे मुंह के अंदर तो स्किन नहीं है, वो तो अलग तरह की चमड़ी है, क्योंकि उसमें बेसल सेल्स उतने नहीं पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन जो हमारी साइट होती है वो लिप के ऊपर होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट सनलाइट से जब एक्सपोज हो रहे होते हैं तो बेसल सेल कार्सिनोमा डेवलप होना बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। या जो लोग पाइप स्मोकिंग करते हैं या बहुत सारे की हैबिट्स हैं जो लिप के अराउंड हमारा घूम रहा होता है, उसमें बेसल सेल कार्सिनोमा के चांसेस ज्यादा है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है और इसका एस्थेटिक आउटकम, एस्थेटिक आउट मतलब आप सोचिए किसी का लिप काटा गया हो कैंसर की वजह से तो वो कितना भद्दा दिखेगा या कितना कुरूप दिख सकता है, बट इसका कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा आउटकम भी होता है और एस्थेटिकली या दिखने में भी अच्छा ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है। तीसरा जो कॉमन हमारे मुंह में अंदर पाया जा सकता है वो है लिम्फोमा। लिम्फोमा एक तरह का ऐसा कैंसर है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। लिम्फेटिक सिस्टम को आपको समझना होगा, एक तरह का लिम्फ जो है जो हमारे गले से जाते लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो उसको फिल्टर कर रहे होते हैं, लिम्फ को जो हमारे गले से मुंह से जा रहे होते हैं। लिम्फेटिक टिश्यू बहुत ज्यादा पाए जाते हैं बेस ऑफ टंग, मतलब जहां से टंग स्टार्ट हो रही है गले की तरफ से, उसमें लिम्फेटिक टिश्यू बहुत है, और हमारे टॉन्सिल्स जो गले में आखिर की तरफ टॉन्सिल्स बने होते हैं उसमें लिम्फेटिक टिश्यू होता है, तो इनमें लिम्फोमा का बनना चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं। अभी दिखता कैसे है? आपको ये महसूस होगा कि पेनलेस स्वेलिंग हो रही है, मतलब एक तरह की गांठ बन गई है जो आपको पेन कभी नहीं कर रही, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम उसका दिखता है या मोस्ट कॉमन साइन दिख जाता है जब हमारा लिम्फोमा का कोई कैंसर हमारे गले में हो रहा हो
या नेक में मतलब लिम्फ नोड्स में हो रहा हो, या बेस ऑफ टंग पे हो रहा हो, या गले के पीछे के साइड में हो रहा हो, जिसको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट बाकी कैंसर से बिल्कुल ही अलग है। चौथे टाइप का जो कैंसर है वो मेलानोमा है। मेलानोमा मतलब मेलानिन पिगमेंट, मतलब जो स्किन के हमारे को कलर दे रहा है मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। किसी का स्किन का कलर डार्क है, किसी का फेयर है, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट उसमें हमारे को नेचर ने दिया है, जिसकी वजह से हमारे को हमारे स्किन का कलर मिलता है या गम्स का कलर मिलता है, उसमें पिगमेंटेशन होते हैं। इसमें जब पिगमेंट सेल्स में जो मेलानिन सेल्स हैं उनमें जब कैंसर डेवलप होता है तो उसको मेलानोमा कहते हैं। और ये 1-2% में सारे जो कैंसर मुंह के होते हैं उसमें 1-2% चांस होता है कि हमारे मुंह में ये कैंसर मेलानोमा का हो। इसका ट्रीटमेंट ओरल कैंसर से बिल्कुल डिफरेंट है, जिसको हम ओरल स्क्वैमसल कार्सिनोमा से कहते हैं। ये हमारे नाक के अंदर भी हो सकता है, लिप्स पे हो सकता है, मुंह के अंदर भी हो सकता है। जहां भी हमारे पिगमेंटेशन वाले सेल्स हैं वो यहां पे बन सकता है। इसका ट्रीटमेंट कराना आसान है, पर ट्रीटमेंट इसका अलग बन जाता है अगर हम नॉर्मल जो एग्रेसिव ट्यूमर है या एग्रेसिव कैंसर है, जिसको हम ओरल कैंसर कहते हैं, उससे अलग होता है। जो है जिसको हम सार्कोमा कहते हैं, सार्कोमा जो हमारे सपोर्टिंग टिश्यूज हैं या मांसपेशियां हैं या मसल्स हैं उनमें होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे हमारे टंग में मसल्स हैं, गालों में जो मसल्स हैं, ये बहुत अनकॉमन है मुंह के कैंसर में होने। तो ये अनकॉमन कैंसर में माना जाता है। बहुत रेयर आप पाएंगे कि सार्कोमा किसी को मुंह में हुआ हो या गले में हुआ हो। चांसेस ज्यादा हमारे ओरल कैंसर के बनते हैं या अदर टाइप के जो कैंसर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसका उद्देश्य क्या है सब कैंसर का बताने का, क्योंकि फ्रेंड्स हर कैंसर इशारा नहीं कर रहा है कि आपको ओरल कैंसर है या एग्रेसिव ट्रीटमेंट आपको कराना है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने बिल्कुल ही इसको इग्नोर करना है। जो भी साइन एंड सिम्टम्स, अगर आप ओरल कैंसर की जो वीडियोस है मेरे वो चेक करेंगे, मैंने मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स दिए हैं और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, वो अगर आपके इसमें है तो आपको ये ऑब्जर्व कराना या दिखवाना या चेक करवाना जरूरी होता है, ताकि आपको पता लगा सके कि आपके केस में कौन सा कैंसर काम कर रहा है या कौन से सेल्स कैंसर काम कर रहा है, जिसका ट्रीटमेंट अपने आप में ही डिफरेंट है और उसका आउटकम भी डिफरेंट है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, आप आराम से चेकअप करा के पता लगवा सकते हैं कि कौन से टाइप का आपको कैंसर है, कौन सी स्टेज में है और किस तरह का ट्रीटमेंट आपके केस में होना चाहिए, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर आप ले सकते हैं ताकि ये फैले नहीं और आगे फिर से ना हो आपको। लास्ट में न॑ कैंसरस ग्रोथ जो हमारे मुंह में ओरोफेरिंक्स में होती है, जो गले और मुंह का जॉइंट है, गले और मुंह का जो जॉइंट है उसको ओरोफेरिंक्स कहते हैं, उसमें नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। नॉन कैंसरस का मतलब जो है जिसमें कैंसर सेल्स नहीं है। ये ऐसे सेल्स है जिनको हम बिनाइन मानते हैं। अब बिनाइन का मतलब क्या है फ्रेंड्स और मैलिग्नेंट का मतलब क्या है, दो चीजें हम ब्रॉड कैटेगरी में डालते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। बिनाइन का मतलब ये है कि ये सेल्स ग्रोथ तो कर रहे हैं, मतलब ये आपका साइज तो बढ़ रहा है उस जगह का, या वो बढ़ता जा रहा है या फैलता जा रहा है, बट वो दूसरे पार्ट में फैल नहीं रहा। जैसे हमारे नेक में हो गया, डिस्टल ऑर्गन मतलब लीवर में नहीं जा रहा, लंग में नहीं जा रहा, वो उसी जगह रिस्ट्रिक्टेड है, उसको बिनाइन कहते हैं। वो सेल्स एग्रेसिव नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहे हैं, बट वो आगे डीप नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम मैलिग्नेंट कैंसर्स को देखें, जैसे हमारा ओरल कैंसर हो गया जिसको ओरल स्क्वैमसल कार्सिनोमा भी कहते हैं, ये बहुत स्पीड से फैलता है, जिसमें ये टिश्यू को भी इन्वॉल्व करता है, हड्डी को भी इन्वॉल्व करता है, हमारे लिम्फ को भी इन्वॉल्व करता है, गले को भी इन्वॉल्व करता है, और कई कई केसेस में लंग्स में भी जा सकता है या लंग्स में भी फैल सकता है, ब्रेन की तरफ भी निकल सकता है अगर मुंह के अंदर ऊपर के जबड़े में कैंसर हो, आंखों की तरफ, मतलब ये फैलता है बेसिकली, ये एग्रेसिव कैंसर है। आप समझिए दो लोग हैं आपके घर में, एक बहुत गुस्सैल है और एक बहुत शांत है, तो हम गुस्सैल वाले को मैलिग्नेंट मानते हैं क्योंकि वो एग्रेसिव होते हैं बहुत ज्यादा, वो कंट्रोल में नहीं आते जब उनको गुस्सा आता है। ऐसे ही मैलिग्नेंट कैंसर बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो कंट्रोल में नहीं आते जब तक उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट ना किया गया। तो हर ग्रोथ आपके मुंह में या हर अल्सर आपके मुंह में जो भी हो वो कैंसर नहीं है, पर उसको अगर लंबे समय तक वो रह रहा है तो जांच होना जरूरी है, वो कराना चाहिए आप। इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अपनी जांच सही तरीके से जरूर कराएं, सही डॉक्टर से बात जरूर करें। जहां भी आपको डाउट लगे या जहां भी आपको शंका हो, जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये बहुत जरूरी बन जाता है। ये पहला स्टेप है कोई भी चीज को प्रिवेंट करने का या रोकने का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।